तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कैनरा बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें आप जब इसे ओपन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस प्लीज़ चेक लेटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से लिखा अगर आ रहा है तो इसका साफ तौर पर मतलब यही होता है कि आपने जो भी रिक्वेस्ट की थी, चाहे आप एटीएम के लिए कर रहे हो या फिर कैनरा बैंक के अंदर कोई फंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, केवाईसी हो या फिर जो भी आपने जो है रिक्वेस्ट हाल ही में सबमिट की थी, उसके लिए जो है आपका अंडर जो है मतलब प्रोसीड है, मतलब ये आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे भेज दी गई है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो रही है या फिर एक्सेप्ट नहीं होती है वो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है आपको जस्ट वेट करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट का स्टेटस है वो जब तक अपडेट नहीं होता है। अगर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर दिया जाता है, आपने जो भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया था तो वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं, वहाँ पर आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया जाएगा। एंड अगर आपने कुछ मतलब कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं की है या फिर आपने कुछ भी मतलब नहीं किया है, फिर भी अगर आपको इस तरीके से ही शो कर रहा है योर रिक्वेस्ट इज़ अंडर प्रोसेस प्लीज़ चेक लेटर, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कोई बग वगैरह चल रहा है, उस वजह से आपको योर रिक्वेस्ट इज़ अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। इस केस में आप सिर्फ अपना मोबाइल एप्लीकेशन को बंद कीजिए, इंटरनेट को ऑन ऑफ करके फिर से जो है मोबाइल एप्लीकेशन खोल लीजिए और बाकी यहाँ से कैनरा बैंक को आप जो है अपडेट करवा लीजिए। अगर आपको अपडेट दिखाता है, फिलहाल यहाँ पर ओपन है मेरे पास, अगर यहाँ पर ओपन की जगह आपको जो है अपडेट लिखा आता है तो आप जो है इसे एक बार अपडेट करवा लीजिए, बाकी कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।